हे गाइस वेलकम बैक टू आ गया है एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपका पास चौरसिया भाई। तो बर्थडे आप लोग को पता है मैं क्या बनाने वाला हूँ, सिया राम लखन जी की ये वाली बर्थडे। वेट वेट वेट, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को पता चले मैं इसमें कौन सा कलर यूज करने वाला हूँ, कौन सा पेपर यूज किया, किस हिसाब से मैंने ग्रेडिंग डाली थी और मैं किस हिसाब से एडिटिंग करता हूँ, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सिंपली इसमें ग्रेफाइट रफ करने के लिए फैब्रिकास्ट के नीडे वाले इरेजर का यूज किया है, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और रही पेपर की बात तो मैं इसमें A3 साइज कार्ड शीट का यूज कर रहा हूँ, जो कि आप लोग को आपके नजदीक स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाएगी। और चलो तो फिर आप बात करते हैं कलर्स की। मैं इस ड्राइंग में फैब्रिकास्ट कलर पेंसिल यूज कर रहा हूँ, जो कि मैं हेयर का शेड लाने के लिए डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर लिया है। लक्ष्मण जी की क्लोथ बनाने के लिए मैंने पिंक येलो ब्राउन एंड स्किन कलर यूज किया है और उन्हीं सेम शेड से मैंने बॉडी भी बनाई है। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था मैं ग्रेडिंग ऐप एडिटिंग ऐप सब बताऊंगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए देखिए आप लोग आगे आगे होता है क्या। मैं लक्ष्मण जी के फेस में रेड ब्राउन डार्क ब्राउन गोल्डन पिंक येलो एंड ब्लैक कलर यूज किया हूं। एक बात आप लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ लो, ड्राइंग अपने को एकदम पेशेंस से बनाना है। ये कोई हलवा नहीं है जो एक आधा घंटा में बन जाएगा, है ना। भले आप लोग को ये 5 मिनट की वीडियो लग रही हो, पर मुझे लक्ष्मण जी की ही ड्राइंग पूरी करने में 4 घंटे लगे हैं। मैंने लिप में पिंक ब्राउन रेड एंड ब्लैक कलर यूज किया है, आईज में भी सेम शेड्स लिए हैं, तिलक के लिए मैंने डार्क रेड कलर लिया है। अब मैं प्रभु राम जी के हेयर बना रहा हूँ, मुझे बिल्कुल रियलिस्टिक हेयर चाहिए इसलिए मैं एक एक स्ट्रोक लगा रहा हूँ। पहले मैं डार्क ब्राउन कलर से कर रहा हूँ, देन ब्लैक कलर से सेम प्रोसेस करूंगा। मैंने इस ड्राइंग की शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी तो बहुत से लोगों ने पूछा था भाई आपने रेफरेंस इमेज कहाँ से ली, तो मैं आप लोगों को बता दूं मैंने ये रेफरेंस इमेज पिंटरेस्ट से ली है। और आप लोग को इस रेफरेंस इमेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने रामलला के रियलिस्टिक हेयर एकदम पेशेंस के साथ पूरे कर लिए हैं। मैंने 4 ब्राउन सेट्स लिए हैं राम जी का शोल्डर ड्रॉ करने के लिए। अब मैं इन 4 सेट्स को बारी बारी एक रफ पेपर पे चलाऊंगा और देखूंगा कौन सा सेट परफेक्ट है शोल्डर ड्रॉ करने के लिए। आप लोग भी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अपनी ड्राइंग को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने शोल्डर के लिए ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर लिया है और वही सेम मैटर मैं प्रभु राम के वस्त्र में यूज कर रहा हूं, बस मैंने यहां पर स्किन कलर सेट्स लिए हैं। तो चलिए अब लाइट टू डार्क सेट्स अप्लाई करते हैं। और हां, इस बात का अपने को बहुत ध्यान रखना है, खाली इस ड्राइंग में बस नहीं, आप जो भी पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, स्केचिंग करते हो, अपने को पहले लाइट कलर अप्लाई करना है, लाइट कलर के ऊपर से डार्क कलर अप्लाई करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप लाइट टू डार्क आते जाना है। अपनों को एक बार में बड़ा ही देखा बार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से स्टैन आ जाते हैं जो कि अपनी ड्राइंग की शोभा खराब कर देते हैं। अपने को छोटे छोटे पार्ट्स उठाकर ड्रॉ करना है, जिससे अपने को काफी स्मूथ शेडिंग देखने को मिलेगी। और ध्यान रहे क्रॉस हैचिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने ये तुलसी की माला में येलो ब्राउन डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर यूज किया है। मैंने आईब्रोज को रियलिस्टिक लुक देने के लिए डबल कोटिंग कर रहा हूँ। पहले मैंने लाइट ब्राउन सेट किया है, देन उसके बाद एक एक स्टॉक लगाया है ब्लैक कलर से। काफी बिगनर्स जो ये सोच रहे होंगे भाई ये पेंसिल के पीछे क्या लगाया, तो गाइस इसे एक्सटेंडर होल्डर कहते हैं, जो कि पेंसिल छोटी हो जाती तो उसके पीछे लगाकर पेंसिल बड़ा करने का काम आता है। अब राम जी का फेस ड्रॉ करने वाला, मैंने फेस के लिए ऑरेंज स्किन लाइट ब्राउन ब्राउन डार्क ब्राउन पिंक एंड ब्लैक सेट लिया है। मैटर वही रखी मैंने जिससे मेरी ड्रॉइंग खराब ना हो, मतलब पहले कलर पेपर में यूज करके देखना है, उसके बाद लाइट टू डार्क जाना है। और हाँ, मैंने बोला था ना मैं ग्रेडिंग के हिसाब से डाल, तो मैं बताऊंगा आप। तो गाइस मैं ग्रेड ड्रॉइंग ग्रेड फॉर आर्टिस्ट ऐप का यूज करता हूँ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आप बारी रही एडिटिंग ऐप बताने की, वो मैं वीडियो के एंड तक बता दूंगा। मैंने लिप्स में पिंक रेड एंड ब्राउन कलर यूज किया है, इसी के साथ हमारे राम जी की भी ड्राइंग पूरी होने वाली है। मैंने जिस मैटर से प्रभु राम की हेयर ड्रॉ कर रहे थे भाई साहब मैटर से सीता जी के हेयर ड्रॉ कर रहा हूं। भाई अपने को इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना है, जैसे कि पेंसिल बार बार शॉर्प करना, छोटे छोटे एरिया को कवर करना और भी कई चीजें जो कि मैंने इस ट्यूटोरियल में बताया है। माता सीता की ड्रेस में मैंने येलो ऑरेंज ब्राउन डार्क ब्राउन रेड एंड ब्लैक कलर यूज किया है। ब्रोज में मैंने लाइट ब्राउन के ऊपर ब्लैक सेट के स्टॉक लगाए, आईज में नेवी ब्लू एंड ब्लैक कलर यूज किया है। फिर वही रेफरेंस इमेज को देखकर लाइट टू डार्क कलर फिल किया। और मैंने बोला था ना मैं अपना एडिटिंग ऐप भी शेयर करूंगा आप लोगों से, तो गाइस मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूं कैपकट ऐप, वो भी पीसी से एडिट नहीं करता, मोबाइल से एडिट करता हूं मैं, जो कि ये ऐप प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, आप लोगों को क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा ये। तो देवी और सज्जनों चलिए पूरे 14 घंटे बाद बनके रेडी हो चुकी है सिया राम लखन जी की पेंसिल कलर ड्राइंग।